All congratulations to all the awardees. You can clap for them. Let me tell you, when you hold an award, you look the most beautiful. Clap for them. A big thanks to Ketan. Thanks to Shovik. M1 Exchange is one of the prestigious exchange helping MSMEs. How it is helping, I'll explain. But before that, some of the people are business owners here. You sell products, you sell services, you provide services, you have customers, domestic, you have international customers, and so on and so forth. Thanks to Anandji, you have been inspiration to me individually and to a lot of MSMEs all across the country. Mr. Anandchari spoke about raising capital, raising equity shares, and then raising money. I will talk about how to manage your working capital. Working capital is a pretty standard term, vaguely understood. And I'll simply talk about whatever sale or whatever goods you sell to your customers. Most of the time, we are selling on credit. ऐसा ही है? थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं, इसको वन वे नहीं रखते हैं, अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा और आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा. जब हम माल बेचते हैं तो बहुत हद तक क्रेडिट पे बेचते हैं, ठीक है? कैश पे कम बेच पाते हैं क्योंकि ऐसा ही भारतीय व्यवसाय रहा है अभी तक. अब क्योंकि हम माल बेचते हैं तो बेचने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं. कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर हमको 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन और कभी कभी शायद उससे भी ज्यादा का माल बेचना पड़ता है. यह बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इंडिया में आज की डेट में, चलो एक थोड़ा सर्वे कर लेते हैं आपके बीच में, ओवरऑल डिलेड पेमेंट का अमाउंट कितना होगा एट एन ऑल इंडिया लेवल? आप सब भारत देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, अलग अलग शहर से आए हैं, थोड़ा आइडिया लेते हैं. एनी नंबर दैट यू हैव इन माइंड, कितना रकम ऐसी है जो डिलेड पेमेंट में अटकी हुई है हिंदुस्तान में? एनी क्लू? 1,00,000 करोड़, ओके. एनीथिंग? 10,000? 10,00,000 करोड़, ओके. और कोई नंबर, मैजिकल नंबर? सवाल समझ में आया ना? कोई नंबर हिंदुस्तान में एमएसएमईज या अदरवाइज डिलेड पेमेंट को लेके कितनी इतनी रकम है जो अटकी हुई है? मैं आपका नाम जान सकता हूं जनाब? अमोल. सो बिग राउंड ऑफ थैंक्स टू अमोल. अमोल, 10,00,000 करोड़, 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ मनी इज स्टक इन डिलेड पेमेंट. और वो किसी और का पेमेंट नहीं है, आप और हम सब एमएसएमई का पेमेंट है जो कहीं ना कहीं इस वैल्यू चेन में अटका हुआ है. और इसको सॉल्व करने के लिए 2016 में आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नई चीज शुरू की जिसका नाम रखा गया ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम. ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तो 2016 में आया था, लेकिन हिंदुस्तान में बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग बहुत पहले से चल रही है. इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. ट्रेड्स ने क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश की, मैं उस पर कुछ चर्चा करूंगा. उसमें M1 एक्सचेंज ने क्या क्या मदद की, मैं उसकी भी बात करूंगा. बिल डिस्काउंटिंग जो पहले हुआ करती थी ट्रेड से पहले, वो सिक्योर्ड फंडिंग का पार्ट हुआ करती थी. आप सभी लोग बैंक्स में जाकर फंडिंग ले चुके हैं, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो आपको पता होगा, हाँ या ना? अब क्योंकि वो सिक्योर्ड है तो कहीं ना कहीं या तो मेरी घर की जमीन रख ली जाती है या फिर व्यवसाय का बिल्डिंग रख ली जाती है. दैट्स हाउ द सिक्योर्ड फंडिंग हैज बीन हैपनिंग सो फार इन द फाइनेंशियल सेक्टर.
ट्रेड्स की आने की वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बिल डिस्काउंटिंग अनसिक्योर्ड होना शुरू हुई. सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल ऑफ अस नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स बिल डिस्काउंटिंग इज कंप्लीटली अनसिक्योर्ड. अब क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो. तो आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रेड्स पर एटलीस्ट M1 एक्सचेंज के ऊपर जो बिल डिस्काउंटिंग हो रही है उसका इंटरेस्ट रेट 4% से शुरू होता है और 9% के आसपास तक जाता है. दिस इज द रेंज एंड दिस इज कंप्लीटली अनसिक्योर्ड. हिंदुस्तान में अनसिक्योर्ड डिस्काउंटिंग इस रेट पे नहीं होती है. कुछ कंडीशंस हैं उस पर बात करेंगे. 4% उन लोगों के लिए है जो लार्ज कॉर्पोरेट ट्रिपल ए डबल ए रेटेड कंपनी के साथ डील करते हैं एंड दैट्स हाउ दिस हैज बीन हैपनिंग. अब ट्रेड्स के बेनिफिट समझाने के बाद लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू व्हाट M1 एक्सचेंज इज सो दैट आई कैन इनवाइट ऑल ऑफ यू इफ यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद बिल डिस्काउंटिंग बिंगो. If you are not, please come forward and be a part of M1 Exchange. But before that, who all are doing trade receivables financing in your businesses? Raise your hand. Shout out. Aap mein se kaun kaun se log bill discounting kar rahe hain abhi? Okay. How about other people? So that's a harsh reality of India today. We have more than 6 crore entities in India who are MSMEs. So far, we have 1 crore 28 lakh MSMEs who have Udyam registration and we have only 35,000 MSMEs who are doing bill discounting on TREDS. Exactly the same sample that we see in this hall. Thank you so much, my friend, for raising the hand. This is exactly what the situation is and I request each one of you to listen to me for the next 10 minutes. Possibly a lot of things will change for you. And after that, I request each one of you to come forward, be a part of M1 Exchange. I'm pretty sure with this day, with this award ceremony, with so many motivated people, this day will possibly change something for your working capital management. M1 Exchange 2016 में शुरू हुआ पहला एक्सचेंज है जिसने बिल डिस्काउंटिंग करना हिंदुस्तान में शुरू किया. इस एक्सचेंज में आज की डेट में 20,000 MSMEs रजिस्टर्ड हैं. अभी मैंने कुछ समय पहले 40,000 MSMEs की बात की थी, मतलब वो बाकी के 20,000 के दर है. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट M1 एक्सचेंज के अलावा दो और एक्सचेंज है जिनको लाइसेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है RXIL, दूसरे का नाम है इनवॉइस स्मार्ट. तो टोटल 3 एक्सचेंजेस RBI ने लाइसेंस किए हैं. ऑल पुट टुगेदर ऑल 3 एक्सचेंजेस आर सर्विंग 40,000 MSMEs टुडे. आज की डेट में 70,000 करोड़ वर्थ ऑफ इनवॉइसेस आर डिस्काउंटेड इन द लास्ट 5 years. लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इट इज पीनट्स. एंड ऑल दिस आई एम सेइंग सो दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू गो बैक एंड थिंक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द बिल डिस्काउंटिंग एक्सचेंज. जैसे मैंने कहा M1 एक्सचेंज ऑलरेडी हैज 20,000 MSMEs ऑनबोर्डेड. वी ऑलरेडी हैव 1,000 एंड मोर लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑनबोर्डेड एंड रजिस्टर्ड विद अस. लार्ज कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि एनी एंटरप्राइज विच इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ एनुअली. एंड दिस इज हाउ लार्ज कॉर्पोरेशंस हु आर बाइंग गुड्स buying services from MSMEs, you can do the bill discounting of that invoice raised on those large corporations.
पिछले 10 मिनट में मैंने जो भी कुछ बात की है आपको जानकर खुशी होगी कि शायद इस 10 मिनट में शायद 15-20 करोड़ के इनवॉइसेस अभी तक M1 एक्सचेंज पे डिस्काउंट भी हो चुके हो। सो दिस इज लाइव वर्किंग 24/7। एवरी मंथ वी डू 2,000 करोड़ वर्थ ऑफ बिल डिस्काउंटिंग फॉर ऑल द MSMEs। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो वो लोग हैं ना जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि 70% से ज्यादा वॉल्यूम M1 एक्सचेंज के ऊपर Tier 2, Tier 3 एंड बिलो एरियाज में बसे हुए MSME से आता है। सो द रियल सुपरस्टार्स आर ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लैप फॉर देम। अगर हम और वॉल्यूम की बात करें फिर एक दिमाग में आएगा कि शायद मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का वॉल्यूम ज्यादा रहता होगा। ऐसा नहीं है, 60% से ज्यादा बिल डिस्काउंटिंग किसी भी बिल डिस्काउंटिंग थ्रेट्स प्लेटफॉर्म पर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कर रहे हैं। एंड यू ऑल नो दैट इंडिया पर्टिकुलरली दिस गवर्नमेंट एंड फॉर श्योर लॉट ऑफ अदर रेगुलेटर्स आर वर्किंग हार्ड टू गिव इनफ फंडिंग टू MSMEs इन द कंट्री। यस देर इज अ गोल्डन लाइन रिटन एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू फॉलो अ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2020-25। गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड, बट यस एवरीबडी इज ट्राइंग टू रीच देयर एंड दिस कैन नॉट हैपन, दिस सर्टनली कैन नॉट हैपन विदाउट द नीडेड सपोर्ट दैट इंडियन MSME सेक्टर नीड्स। Threads is one such effort towards this. So if you are doing any sales of goods or providing any services to a large corporate, there is already a set system of Threads. Please come. Threads, I'll repeat, trade receivables discounting system. So you can come forward and be a part of that system. I'll explain how it can really help you. You come forward, register yourself. You can already look for all the registered buyers who are with us. I'm pretty sure some of you must be dealing with such buyer. You can place your invoice on this exchange. We have a team of experienced people. They will talk to those buyers and get your payment early. How this early payment happens? Assuming you have a invoice which has a credit period of 90 days. I think wo to bare minimum hota hai. So 90 days you can come to the exchange, upload your valid invoice, well accepted invoice on the exchange, assuming you do it in the next 5 days. Day zero, invoice generated, goods sent, goods reaches, quality check done by the buyer, everything is done. This is a normal trade practice, nothing new. 5 din mein agar aapne us invoice ko upload kiya, that invoice will be visible to the buyer, which is any of the large corporate. I'll take the example of Tata Solar or Tata Power. So Tata Power will see that invoice. If they find, assuming that invoice is of 50 lakh rupees, assuming. If Tata Power realizes this 50 lakh is a perfect invoice, goods are received, there are some deduction, let's say a deduction of 2 lakh rupees. So the net amount is 48 lakh rupees worth of money should be given to, let's say, Shobhit Enterprises. Now this 48 lakh worth of money will be accepted by Tata Power or for that matter any buyer. So invoice tha 50 lakh ka, buyer ne accept kiya 48 lakh ka. So this 48 lakh worth of money will be placed for bidding by the bankers. M1 exchange is the only platform today in India, Threads platform, which has 50 plus banks.
हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके पास 50 बैंक एक साथ बिडिंग करते हो. दीज हैव ऑल PSU बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, NBFC, सम ऑफ द फॉरेन बैंक्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट. सो दिस बिल विल बी विजिबल टू ऑल दीज बैंक बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द MSME. This bill will be, bid will be done on this bill, and the bid is nothing but in interest kitna hai, ब्याज कितने टके का है, ROI कितना है, and these language which we all talk about. जब bill पर bidding आएगी, मान के चलते हैं SBI ने उस पर 5.25% का bidding किया, HDFC ने उस पर 5.15 का bidding किया, इंडियन बैंक ने मान के चलिए 5.5 का बिडिंग किया. तीन बिडिंग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. नाउ वी नो ऑन दिस इनवॉइस वी हैव 3 बिडिंग्स. किसका लोएस्ट बिडिंग है, किसका लोएस्ट बिडिंग है? सो जो इंडियन बैंक का तो 5.5 बोला था मैंने, लेकिन HDFC का 5.15 का बिडिंग. ये तीनों बिडिंग आपको दिखेगा एज MSME सेलर. Then you can choose which bidding you want to accept. Possibly you are not interested in HDFC, you are fine with a 10 basis extra. So SBI ka 5.25 ka bid bhi le sakte ho aap, HDFC ka 5.15 ka bid bhi le sakte ho, up to your choice. Which means spreads is so flexible, so transparent ki aapko ek ek bid ka pata chalega. You accept the bid. Once you accept the bid, money will come to your bank account the next day at 11 AM. Which means, पांचवे दिन आपने invoice upload किया, bidding में एक या दो दिन लगा क्योंकि buyer कभी कभी समय लगा देते हैं. आपको शायद वो invoice जिसका payment 90 दिन बाद आना था, वो आपको आएगा छठवें या सातवें दिन. और शायद वो 90 दिन मैंने शायद इसलिए लगाया क्योंकि आपको भी पता है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन पे वो 90 दिन का 100 दिन होने में समय नहीं लगता है. क्यों? अरे गुप्ता जी कोई तो पेमेंट देना है, अपने ही भाई हैं, दे देंगे. ऐसी तो होता है. अरे चौधरी साहब ना, अरे कल ही तो मिला था बेटे की शादी में, हो जाएगा पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं. तो वो 90 का 100, 110, 115, 125 होते, दिक्कत नहीं लगती है. That's how the business has been so far. But here, you get your money on 7th or 8th day. Now question is, what is deducted? So deduction is, deductions are, आपका जो 48 lakh rupees आपको आना था example में, उसमें से 48 lakh rupees के ऊपर जो 72 दिन या 72 या 82 दिन 82 days के interest है वो लग जाएगी. और ये जो मैंने परसेंटेज बोला 5.25, 5.15, ये एनुअल है. सो इफेक्टिवली ऑन अ 50 लाख वर्थ ऑफ इनवॉइस यू हार्डली गेट सम थाउजेंड ऑफ एज इंटरेस्ट. देयर इज अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ 0.5% एनुअल, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग एज अ प्रोसेसिंग फीस विच इज चार्ज बाय द एक्सचेंज एंड देन यू get your money on 7th or 8th day. This is the super good advantage of TRED. I gave you this example so that it gets into your head easily. Ab sawal aayega ki buyer kab payment karega. So in my example, Tata Power will make the payment only on 90th day. मान के चलिए टाटा पावर तो एक रोहंग एग्जांपल है, टाटा पावर कभी ऐसा करेगा नहीं, बट मान के चलिए बायर ने पेमेंट नहीं किया ऑन द ड्यू डेट, या फिर ड्यू डेट को कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा के. व्हाट इज द कोर्स ऑन यू? क्या आपको उसके उस बात को लेके वरी करना चाहिए और नॉट? एडवांटेज ऑफ ट्रेड्स इज यू स्लीप पीसफुली. The payment is made by the buyer or not on the due date, before the due date, after due date, nobody will come to you. This is how RBI regulations are designed. So
बिल डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स इज अनसिक्योर्ड, बिल डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स इज नॉन रिकोर्स, नोबडी विल कम टू यू. बिल डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स इज ट्रांसपेरेंट, इट्स डिजिटल. यू गेट द फुल एडवांटेज ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस, दैट्स ऑल. सो आई रिक्वेस्ट विद दीज एडवांटेज एंड फ्यू मोर, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन बिल डिस्काउंट. यू मे लाइक टू कंपेयर दिस इन इंटरेस्ट विद सीसीओडी, सबने ले रखा है सीसीओडी, लैब, टर्म लोन, सबने ले रखा है और हर कोई उससे कंपेयर करता है. लेट मी टेल यू, दिस ट्रेड्स कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूल टू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल इन अ बेटर वे. हाउ? अगर आप सीसीओडी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, कहीं ना कोई स्टॉक पे हाइपोथेकेशन है, एसेट पे हाइपोथेकेशन है, और वो सिक्योर्ड फंडिंग है जहां पर आपको हर तीसरे महीने में स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है. आपको बैंक मैनेजर साहब कभी भी आके परेशान करते हैं, साथ में उनकी बाकी फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, उन सबके झमेलों को देखना पड़ता है. दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ ऑल दिस ट्रेड. और कहीं ना कहीं ये जो टूल है ये आपको सीसीओडी की वर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में फायदा देगा. नॉर्मल कन्वेंशनल वर्किंग कैपिटल टूल्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर मेरा रिश्ता एचडीएफसी के साथ हो गया, सीसी ले लिया, ओडी ले लिया, या फिर टर्म लोन ले लिया एचडीएफसी के साथ, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो किसी दूसरी बैंक के जाने के पास जाने में आपको दिक्कत है. बिकॉज एज पर द रेगुलेशन ऑल्सो यू हैव टू टेक अ एनओसी फ्रॉम दिस बैंक, विच मीन्स यू कांट हैव मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल बैंकिंग रिलेशन फॉर योर सिंगल बिजनेस और सिंगल एंटिटी. दिस चैलेंज इज वेरी वेल एड्रेस इन ट्रेड. टूडे यू हैव टू टेक वन रजिस्ट्रेशन, assuming if it is with M1 exchange, you have to take one registration with M1 exchange. You do invoice financing of multiple invoices, and interestingly all 50 plus banks can have a relation with you without you doing any reporting with your so called parent banking partner. So, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक इनवॉइस पे एचडीएफसी ने बिडिंग किया, किसी दूसरे पे एसबीआई ने किया, किसी तीसरे पे आईसीआईसीआई ने किया, और किसी तीसरे पे हो सकता है एनबीएफसी बैंक ने किया. नो चैलेंज ऑफ मैनेजिंग दीज डिफरेंट रिलेशंस विद डिफरेंट बैंक. आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना. दिस इज हाउ यू कैन मैनेज विद मल्टीपल बैंक्स. An interesting thing is, because you are a vendor, there is no liability on you. It's a pure out of balance sheet funding. MSME tarasta hai out of balance sheet funding ke liye. So I request be a part of any of the trades platform. Because I am representing M1 Exchange, I request invite all of you to be a part of M1 Exchange. This company is headquartered in Gurgaon, Gurugram. We have a office in Bombay, we have office in Chennai, Bangalore, Calcutta. We are also reaching out to all the beautiful MSMEs from all across the country. अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने कॉर्पोरेट्स की बात कर ली, सब कर लिया, मेरा पैसा तो सरकारी महकमों में फंसा हुआ है, PSU में फंसा है, सेंट्रल PSU, जेम्स में, जेम में फंसा हुआ है पैसा. So, आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर सारी सेंट्रल PSUs अवेलेबल हैं. जितनी भी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज की बात कर लीजिए या फिर किसी भी सेंट्रल PSU की, वो सारी अवेलेबल हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर, M1 एक्सचेंज पर भी हैं. और अगर आप किसी भी सेंट्रल PSUs के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा. एक और सवाल आता है कि खाली सेंट्रल PSU थोड़ी ना है, स्टेट PSU में भी तो पैसा फंसा हुआ है. और सॉरी टू से, स्टेट PSU में तो 270 दिन, 300 दिन तक पैसा फंसा रहता है. तो गुड थिंग इज
आई कैन एश्योर यू हाउ हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग एटलीस्ट इन इंडिया. इन एडिशन टू सेंट्रल पीएसयू स्टेट पीएसयूज आर ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड विथ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. फॉर दैट मैटर M1 एक्सचेंज हैव साइंड अप विद तमिलनाडु गवर्नमेंट अ वेल नोन MOU विच एटलीस्ट एवरीबडी नो बाय नाउ. वी आर इन एडवांस स्टेज विद मध्य प्रदेश. वी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस विद गोवा गवर्नमेंट. वी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस विद हिमाचल प्रदेश, दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. बिकॉज सॉरी नो प्रॉब्लम ओडिशा इज नॉट गोना बी टू बिहाइंड. आई टेल यू द रीजन. सी मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. मैं GST में काम किया है और हिंदुस्तान में जो GST आया है कुछ अच्छी और बुरी चीजों के पीछे मेरा दिमाग है, तो माफी चाहूंगा अगर कुछ GST में आपको अच्छा ना लगा हो तो. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं वो मैंने एक ही चीज जानी है कि एक अगर स्टेट गवर्नमेंट चालू करती है तो बाकी उसको फॉलो करती है. दैट्स द रियलिटी. एंड इफ तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी साइंड एन MOU एंड वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. अब इस MOU का फायदा क्या होगा थोड़ा आपको बता देता हूं. सरकारी महकमे में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल की PSUs होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर्स होते हैं एंड व्हाट ऑल नॉट. ये बड़े बड़े नाम है, आसानी से समझा देता हूं. वाटर डिपार्टमेंट होता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट, चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट. सो इन सारे डिपार्टमेंट्स को क्योंकि इनकी अपनी स्वायत्तता नहीं होती है, अपनी एक एंटिटी है या आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं. जहां पर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो लेख महकमा होता है, जिसको हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट या स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके थ्रू ये ऑपरेट होते हैं क्योंकि उनकी फंडिंग भी वहीं से आती है. बहुत हद तक आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट के पास ही पैसा नहीं आ रहा है, वो आपको कैसे दे. So all this is getting streamlined soon and I am waiting for that beautiful good day where majority of my state government departments will be on track and those days are not too far. So whether it is a corporate entity, large corporation or a central PSU or a state PSU, all of them are going to be on treads. 2 days before, I was with ministry. I'm part of a strategic group where MSME ministry and the officials there are working day and night to provide the right set of help to MSME. I can understand ki zameen tak aane mein samay lag jata hai, lekin kyunki main un groups ka hissa hu, main ye kehna chahunga ki all of them are working hard. The way Mr. Anandchari said that BSE SME is also working hard, 410 companies got listed, 65,000 crore. It's an effort of years of hard work. Similarly, Treads is just 5 years young kid in India. With the right set of support from you, trust from all of you, Treads will give back the right kind of help to you. 5 more minutes, I will explain. This is all about domestic transactions that we do. Treads की एक बहुत बड़ी condition है कि कोई भी MSME अगर large corporation को माल बेच रहा है तब वो Treads में apply करता है, ठीक है? बाकी लोगों का क्या? कोई भी MSME हर किसी large corporation के साथ तो deal नहीं कर रहा ना. There are at least 85% of transactions happening in India which are not happening with a large corporation. मतलब कोई एक MSME दूसरी MSME से माल खरीद रहा है, कोई small micro से खरीद रहा है या micro small से खरीद रहा है, as the case may be. मतलब गुप्ता जी जैन साहब से खरीद रहे हैं, जैन साहब चौधरी साहब से खरीद रहे हैं, चौधरी साहब यादव जी से खरीद रहे हैं, और वो लार्ज कॉरपोरेशन नहीं है, ये हिंदुस्तान है. और इस
चीज को ध्यान में रखते हुए एक नई चीज लेकर आया है M1 एक्सचेंज, जिसका लाइसेंस अभी सिर्फ M1 एक्सचेंज को मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एमएसएमई टू एमएसएमई ट्रांजेक्शन हैपनिंग बिटवीन टू एमएसएमई विल ऑल्सो गेट डिस्काउंटेड ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड द ब्यूटी इज those transactions and bill discounting is going to be completely unsecured. Transactions happening between Gupta ji and Jain Saab, those transactions can happen, bill discounting can happen unsecured on TREDS platform. The license is with M1 Exchange. We are already doing a sandbox testing under the supervision of RBI, and in no time, I'm pretty sure, by the end of this financial year, we will commercially be launching this service to all the beautiful people like you. The entire objective is to spread the power of TREDS to all the MSMEs. वो जो 10 लाख करोड़ के delayed payment की बात हो रही है, वो delayed payment खाली large corporations के साथ नहीं है. Those delayed payments are between Jain Saab and Gupta ji. And आई एम सो सॉरी अगर कोई गुप्ता जी और जैन साहब ये हैं, मैं आपके लिए नहीं कहना चाहता हूं, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, सो दिल पे मत लीजिएगा। सो द रियल चैलेंज इज एंड द डिलेड पेमेंट इश्यू इज बिटवीन वन एमएसएमई टू अदर एमएसएमई। दिस विल गेट टेकन केयर इन द एमएसएमई टू एमएसएमई बिल डिस्काउंटिंग विच इज नॉट टू फार। सैंडबॉक्स टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। आफ्टर द सैंडबॉक्स टेस्टिंग We will see this product live. अब मैं sandbox testing का एक सबसे बड़ा advantage, क्योंकि I am also handling that project. Normal trades में मैंने आपको interest rate बताया था 4% से 9% के बीच, but that was between large corporation and MSME. And large corporation being large corporation and an anchor in this transaction, bank आसानी से funding दे देता है। सबको पता है कि अगर एक्स वाई जेड या विशाल कुमार टाटा ग्रुप के साथ कोई डील कर रहे हैं तो फंडिंग आसानी से हो सकती है। पता है टाटा ग्रुप के साथ डील करें, टाटा ग्रुप विल नेवर डू अ डिफॉल्ट, वो तो 5 रुपए का भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। सो द फंडिंग इज इजी। एमएसएमई टू एमएसएमई जिनका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है इतना, क्रेडिट रेटिंग नहीं करवाई जाती है, सिबिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचका हुआ होता है, so ऐसी situations में banks are very reluctant to do financing, that too unsecured. But good thing is, and these are the learning of our 4 months of hard work in the sandbox, we have 5 banks participating, all great known names. They are participating and the interest rate is ranging between 9% to 13%. Unsecured MSME to MSME financing. It is going to be a big boom to all the MSMEs in the country. This is another attempt which M1 Exchange is trying to do to help MSMEs. In last 2 minutes, M1 Exchange has also started bill discounting of international transactions. Very recently, with the blessed hands of our Honorable Prime Minister, 4 exchanges were given license to do bill discounting of your international transactions. मतलब अगर आप import करते हो या export करते हो to different countries, आप उसकी भी discounting कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि export में आज की date में अच्छे अच्छे टूल्स नहीं है, यू हैव एलसी फाइनेंसिंग, यू हैव ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग हैपनिंग, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गोना बी अ रेगुलेटेड फाइनेंसिंग। देयर इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय दीज 4 एक्सचेंजेस, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल फैक्टरिंग सिस्टम ITFS। उसके अंतर्गत ऑल द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स विल गेट दिस फैसिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। If I may ask, who all are importers and exporters here? Raise your hands with pride. Yeah? Or agar exporter, importer? Yeah,
So, Bingo, thank you so much. I think we have good number of people already doing international trade financing, international trade, and through ITFS platform, you can do financing of your import or export as well. These are some of those advantages which are being envisaged and are coming to MSMEs with the help of obviously regulatory support, with the help of banking support and the financial sector support, and definitely all the wonderful, motivated, super energetic MSMEs like you. Because मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर से ज्यादा हिम्मत और कुब्बत कोई और रखता है, क्योंकि आप ही एक ऐसे ऐसे महानुभाव हो जो अपना जीवन का समय, अपने जेब की पूंजी और अपने रिश्तों को साइड में रख के कुछ एक ऐसे सपने जो आपने या आपके माँ बाप ने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हो रोज. सो कूडोस टू ऑल ऑफ यू. M1 Exchange is here to help you guide and facilitate the easy and innovative working capital at the lowest cost. With this message, thank you so much for listening me patiently. Thank you so much to the Forum India 5000 MSME Conference. Thanks to Ketan and all the beautiful people here. Have a wonderful time. Thank you. And felicitate him with a memento. Can we hear for this moment? Sir, congratulations and thank you so much. It was a pleasure having you here. Thank you.